गोपीनाथ बरूदुलाई भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें आधुनिक असम का निर्माता भी कहा गया है। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इन्हें कारावास जाना पड़ा था। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के कारण गोपीनाथ बरूदुलाई को पूर्ण सजा हुई। गोपीनाथ ने असम के विकास के लिए अथक प्रयास किए थे। उन्होंने राज्य के औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया और गुवाहाटी में कई विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। असम के लिए उन्होंने जो उपयोगी कार्य किए उनके कारण वहाँ की जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी थी। वस्तु असम के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। गोपीनाथ बरूदुलाई प्रगतिवादी विचारों वाले व्यक्ति थे तथा असम का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। गोपीनाथ बरूदुलाई का जन्म 10 जून 1890 को असम के नौगावा जिले के रोहा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम बुटेश्वर बरूदुलाई था तथा माता का नाम पनेश्वरी बरूदुलाई था। इनके ब्राह्मण पूर्वज उत्तर प्रदेश की जाकर असम में बस गए थे। जब यह मात्र 12 साल के ही थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। गोपीनाथ ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा और 1909 में इंटर पेडेटिक्स की परीक्षा गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में बीए करने के बाद 1914 में उन्होंने एमए परीक्षण उत्तीर्ण की। 3 साल उन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुवाहाटी लौटने का निश्चय किया। गुवाहाटी लौटने पर गोपीनाथ जी सोनाराम हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करने लगे। 1917 में उन्होंने वकालत शुरू की। यह वह जमाना था जब राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अहिंसा और असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। अनेक नेताओं ने उस समय गांधी जी के आदेश के अनुरूप सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। गोपीनाथ बरूदुलाई में भी बिना किसी हिचक से अपनी चलती हुई वकालत को छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इस समय उनके साथ असम के अन्य नेता भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। इन नेताओं में प्रमुख थे रविन्द्रनाथ चंद्र, वरलाई चंद्र शर्मा, कुलदास चरित्र, तरुणाराम फुकन आदि। वकालत छोड़ने के बाद सबसे पहले गोपीनाथ जी ने दक्षिण कमलापुर और ग्वालापाड़ा जिले का पैदल दौर किया। दौर में तरुणाराम फुकन उनके साथ थे। उनके जनता के संदेश दिया कि विदेशी माला को बहिष्कार करें, अंग्रेजों के काम के असहयोग करें और विदेशी वस्त्रों के स्थान पर खदर धारण करें। विदेशी वस्त्रों की होली के साथ साथ गदर के लिए चरखे और सूतक करते। इसका परिणाम यह हुआ कि गोपीनाथ बरूदुलाई और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1 वर्ष कैद की सजा दी गई। उसके बाद से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। 1926 गोपीनाथ बरूदुलाई ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में भाग लेने के बाद जहां अपनी लोकप्रियता में वृद्धि की वहां से सामाजिक जीवन से भी अधिक जुड़ते हुए गए। 1932 में गुवाहाटी के नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। उस समय असम की स्थिति एक पिछड़े प्रदेश की थी, ना तो उसका अपना पृथक यूनियन चलाए था ना ही कोई विश्वविद्यालय। गोपीनाथ जी के प्रयत्नों से यह दोनों बात संभव हो सकी। 1939 में जब कांग्रेस ने प्रदेश में विधानसभाओं के लिए चुनाव में भाग लेने को निश्चय किया तो गोपीनाथ बरूदुलाई असम के कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। मुख्यमंत्री बने उसके बाद वे पूरी तरह से असम की जनता के लिए समर्पित हो गए। शेरे आसम नहीं थे, भारत रत्न भी थे। 1929 में सरकारी विद्यालय में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक के संबंध में सरकार का आदेश निकला। गोपीनाथ बरूदुलाई ने ऐसे विद्यालयों के बहिष्कार का आंदोलन चलाया, परंतु वे शिक्षा के महत्व को समझते थे। उनके प्रयत्न से गुवाहाटी के कामारूप अकादमी और बरुआ कॉलेज की स्थापना हुई। आगे चलकर जब उसने प्रशासन का दायित्व संभाला तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम मेडिकल कॉलेज तथा अनेक तकनीकी संस्थाओं की स्थापना से सक्रिय सहयोग मिला। 1938 में असम में जो पहला लोकप्रिय मंत्रिमंडल बना उसके मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरूदुलाई ही थे। इस बीच उन्होंने असम में अफीम प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक काम किया। विश्व युद्ध आरंभ होने पर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और जेल की सजा भोगी। युद्ध की समाप्ति के बाद दोबारा असम के मुख्यमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद का यह समय नवनिर्माण का काला था। भारत को स्वतंत्रता देने से पूर्व जिस समय भारत के विभाजन की बात चल रही थी उस समय असम में गोपीनाथ बरूदुलाई के हाथ में सत्ता थी। ब्रिटिश सरकार की योजना से ऐसा प्रतीत होता था कि असम प्रदेश को कुछ भागों में बांटकर पूर्वी पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया जाएगा। गोपीनाथ और उनके साथी यदि समय रहते सजग ना होते तो असम आज बांग्लादेश को हिस्सा होता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
से संबंधित व्यक्ति जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत की इच्छा के विपरीत उसे युद्ध का भागीदार बना दिया था। उस समय गांधी जी ने जब असहयोग को नारा दिया तो गोपीनाथ बरुद्वाई के मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे दिया था। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1946 में आसम में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत हुई। गोपीनाथ बरुद्वाई के मुख्यमंत्री बने। यहाँ एक विशेष बात उल्लेखनीय है कि उस समय अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसी कारण ब्रिटिश सरकार के जितने प्रतिनिधि मंडल एवं ये सब अलग अलग प्रदेशों के प्रधानमंत्रियों से बात करते थे। प्रारंभ में इस बातचीत में गोपीनाथ बरुद्वाई को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि उनके बारे में समर्थक विचारों से पली पकार प्रचलित थे। ब्रिटिश सरकार की एक बड़ी चाल यह थी कि भारत के विभिन्न भागों को अलग अलग बांटने के लिए उन्होंने ग्रुपिंग सिस्टम योजना बनाई। उन्होंने यह खोजना कांग्रेस के प्रतिनिधियों को सामने रखी। उन्हीं दिनों 6 जुलाई 7 जुलाई को मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस की योजना पर विचार किया और दुख की बात यह है कि कांग्रेसी नेता ब्रिटिश सरकार की चाल को समझ नहीं पाए और उन्होंने योजना के लिए स्वीकृति दे दी। गोपीनाथ बरुद्वाई इस योजना के सर्वश्रेष्ठ विरोध थे। उनका कहना था कि असम के संबंध में जो भी निर्णय किया जाएगा अथवा उसका जो भी संविधान बनाया जाएगा उसका पूरा अधिकार केवल असम की विधानसभा और जनताओं को होगा। वे अपने इस निर्णय पर डटे रहे और उनकी इसी दूरदर्शिता के कारण असम इस षड्यंत्र का शिकार होने से बच सका। गोपीनाथ बरुद्वाई अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा के कारण भारतीय स्तर के नेताओं में इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। इनकी बात मानने को तैयार हुए। इस प्रकार असम भारत का अभिन्न अंग बन रहा। यही कारण है कि भारत और असम के लोग इनके महत्वपूर्ण कार्यों को समझ सके। असम के लोग आज बड़े प्यार से गोपीनाथ बरुद्वाई को शेरे आजम असम के नाम से पुकारते। गोपीनाथ बरुद्वाई के नेतृत्व में असम प्रदेश में नवनिर्माण की पक्की आधारशिला रखी गई, इसलिए उन्हें आधुनिक असम का निर्मात भी कहा जाता है। 5 अगस्त 1985 में जब वे 60 वर्ष के थे तब उनका देहांत गुवाहाटी में हो गया। गोपीनाथ बरुद्वाई के प्रयत्नों से ही असम आज भारत का अभिन्न अंग है। ब्रिटिश सरकार से उस क्षेत्र को अलग करने की योजना बनाई थी। उस समय कांग्रेस भारतीय सत्ता संगम के नेतृत्व कर रही थी। कांग्रेस से सपाबंद वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस भयंकर षड्यंत्र समझा और कांग्रेस से इस पर जोर डालने को कहा। इसके अतिरिक्त असम में सरकार बनाने तथा उसकी उत्पत्ति के लिए जो कार्य उन्होंने किया, अंततः भारत सरकार ने उन्हें प्रभावित होकर इन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।